तो हमने आज करना है एनएस के अंदर शीट मेटल, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करेंगे शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। तो जब भी हम खोलते हैं तो हमारे पास, जब हम नई फाइल खोलते हैं ना, इसको बंद कर देता हूँ, जब भी हम नई फाइल खोलेंगे तो वो पहले ही पूछ लेगा कि आपको पार्ट मॉडलिंग में जाना है या शीट मेटल में जाना है। तो न्यू फाइल करो, ये देखो यहाँ पे है एनएक्स शीट मेटल, ठीक ठीक है। शीट मेटल पे क्लिक कर देंगे तो शीट मेटल में ये अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी शीट मेटल की कमांडें आ गई, ठीक। अब शीट मेटल को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, थिंक लाइक ए, भाई आपको एक लकड़ी गत्ते का बक्सा बनाना है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हमारे को क्या चीज चाहिए, उसके लिए सबसे पहले गत्ता चाहिए फ्लैट, ठीक है। वो एक एग्जाम्पल है गत्ते का डब्बा, पर हमने करना लोहे पे भी है वो सारा काम, ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले एक बेस चाहिए, एक बाजार से जो हम खरीद के लाए, यहाँ पे इसका का नाम, उसका नाम होता है टैब। हमारे को सबसे पहले एक टैब कमांड चाहिए जिसमें हम उसको बताएंगे कि हमारे जो शीट की शेप कैसी है। तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, और रेक्टेंगल में एक शेप यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक। फालतू की चीज को मैं ट्रिम कर सकता हूँ और डायमेंशन दे सकते हैं 630, ठीक है। फिनिश करेंगे तो ये पहले ही थिकनेस पूछ लेगा, बाद में हम कहीं पे भी थिकनेस नहीं दे पाएंगे, इसलिए यहीं पे देनी है। इसको बोलते हैं बेस टैब, ठीक है। तो हमने कहा ये शीट की थिकनेस कितनी होगी, 3 mm की होगी, ओके, ठीक है। तो ये मेरी शीट आ गई, बेस आ गया, ठीक है। अब मैं इनके इसके ऊपर ये सारी बाकी की कमांडें जो हैं लगा सकता हूँ। तो बेस बनाने के बाद हमारे पास कमांड आती है फ्लेंज की। फ्लेंज का मतलब क्या है कि मैं किसी भी एज को फ्लेंज दे सकता हूँ। इसमें एज सेलेक्ट करो, उसकी हाइट सेलेक्ट करो, तो ये देखो ये फ्लेंज आने लग गई, रेडियस रेडियस अपने आप लग गया यहाँ पे, ठीक है। फ्लेंज की लेंथ कितनी चाहिए, उसका एंगल कितना चाहिए, मैंने कहा जी 90 डिग्री पे चाहिए, 300 की लेंथ चाहिए, का ठीक सर, है। रेडियस को हम कस्टमाइज कर सकते हैं सर। हाँ, सबको बता रहा हूँ, रुको तो सही, ठीक है। तो हमारे को ये फुल लेंथ, अभी जो मैंने एज सेलेक्ट की उसकी फुल लेंथ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए, सेंटर में विड्थ पूछ रहा है वो कितनी चाहिए, मैंने कहा जी 200 की, तो 200 थिकनेस से फ्लेंज लग जाएगी। अगर हम एट एंड कर देंगे तो वो पूछेगा कौन से एंड पे, मैंने कहा जी इधर वाले, तो एंड पे आ जाएगी। यानी कि सेंटर करना सेंटर कर लो, फुल करना फुल कर लो, एंड करना एंड कर लो, ठीक है। फ्रॉम एंड यानी कि यहाँ से कितनी दूर, तो वो भी दे सकते हैं, ये डिस्टेंस भी दे सकते हैं, ये यहाँ से 50 दूर, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है फ्रॉम बोथ एंड, तो इधर से भी, इधर से कितना डिस्टेंस और इधर से कितना डिस्टेंस, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं जब ओके कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक। दोबारा से कर रहा हूं मैं, हमने क्या किया, फ्लेंज लिया, फ्लेंज लेके एज सेलेक्ट की, ठीक है। यहाँ पे मैंने फुल कर दिया, कितने डिग्री पे चाहिए, मैंने कहा जी 60 डिग्री पे चाहिए, ठीक है। तो वो आ जाएगी। अभी ये जो लेंथ मेजर हो रही है, ये देखो ये इनसाइड चाहिए, मतलब ये जो रेडियस बन रहा है ये मटेरियल के अंदर बन रहा है, देखो इनसाइड चाहिए या आउटसाइड चाहिए वो हमारी मर्जी है, मतलब ये जो मेजरमेंट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो कहने का मतलब है ये लेंथ यहाँ से मेजर हो रही है, ठीक। वेब की कर देंगे तो ये, अब ये 300 हो गए, ये वाली एज सिर्फ रेडियस तक, रेडियस तक,
डिफरेंट डिफरेंट है, आपको कौन सा चाहिए? मैंने कहा ये इनसाइड चाहिए। उसके बाद अगर हम इसको यहां से ऑफसेट कर दें तो ये से बाहर भी निकल आएगी। कितना ऑफसेट करना है वो वैल्यू हम भर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो एंगल है इसको अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस फ्लैंज, ब्लेड फ्लैंज, बेस फ्लैंज। ठीक है, टैब ली, ए फ्लैंज कमांड ली। अगर मैं एक साथ दो तीन एजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको जीरो कर देते हैं ऑफसेट को, ठीक है, दो तीन एजेस भी फ्लैंज हो जाएंगी एक साथ। अब ये सारी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं? ताकि मैं इसका ब्लैंक साइज निकाल सकूं, फ्लैट सॉलिड कर सकूं। ठीक है, अब फ्लैट यानी कि मुझे ऐसी शीट चाहिए अगर मुझे ये वाली चीज बनानी है तो। अच्छा ठीक, तो ये मेरा फ्लैंज बन गई। अगर यहां से मीटर ऑन कर देंगे तो ये दोनों चिपक जाती हैं, ये देखो। अगर इसको ऑन नहीं करते तो ये दूर रहती हैं। ठीक है, जो जो एज सेलेक्ट कर देंगे वहां वहां फ्लैंज बनती जाएगी। ठीक है, फ्लैट सॉलिड करेंगे तो हमारे को पता लग जाएगा कि इस चीज को बनाने के लिए ब्लैंक कैसा होना चाहिए, यानी कि मेरे को शीट को ऐसे काटना पड़ेगा तो वो पता लग जाएगा ना भाई कहाँ से काटेंगे तो वो बेंड होके वैसी शेप बनेगी। ठीक है, बात समझ में आई फ्लैंज की? जी फ्लैंज जैसी एक और चीज है यहाँ पे, कंटूर फ्लैंज कहते हैं इसको। अब फ्लैंज में क्या हो रहा था, एक ही बेंड कर पा रहे थे। कंटूर फ्लैंज में क्या है, हमने एक कर्व सेलेक्ट करी तो वहां पे एक प्लेन बन जाएगा जिसके ऊपर मैं स्केच बनाऊंगा। अब मैं ये पॉइंट से टच होना चाहिए, अब जैसी भी शेप बना देंगे तो जैसी फ्लेंज बना देंगे उसी शेप से, हमने ज्यादा छोटी बना दी। वो कह रहा चेन सेलेक्ट करो, तो ये चेन सेलेक्ट कर लो। तो दो तीन चार बैंड एक साथ बन गए। एज फ्लेंज में वो जो फ्लेंज थी उसमें एक ही बैंड हो रहा था, इसमें तीन बैंड इकट्ठे कर दिए हमने, चार, जितने मर्जी कर लो। मतलब ठीक है, अब अगर इसको मैं फ्लैट करने की कोशिश करूं, ठीक है, समझ आई बात? जी दोनों फ्लैंजों में फर्क क्या है? सिंपल फ्लैंज में एक एक बैंड एज बैंड होती है, इसमें हम जैसी शेप बना लेंगे उसके हिसाब से बैंड होने लगे।
एच सेलेक्ट कर लो। फ्लैट सॉलिड कर देंगे। फ्लैट पैटर्न से भी हो जाता है, पर फ्लैट पैटर्न हमारे को जरूरत पड़ती है ड्राफ्टिंग के लिए, मतलब हम शीट मटेरियल वाली चीज को फ्लैटन करके ड्राफ्टिंग में भी देख सकते हैं। फ्लैट सॉलिड यहीं पे दिखाएगा हमारे को फ्लैट करके। ठीक हो गया फ्लैट। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है हेम की। हेम में क्या है, इसमें बनी बनाई शेप्स हैं बहुत सारी, तो जो एज सेलेक्ट कर देंगे वहां पे हेम की शेप वैसी बन जाएगी जैसी यहाँ पे सिलेक्टेड है। ऐसे चाहिए, ओपन वाली चाहिए, कर्ल वाली चाहिए, ठीक है, ताकि शीट की थिकनेस आ जाए ना, शीट पतली होती है तो यहाँ से बेंड कर देंगे तो वो एक तो चोट नहीं करेगी, दूसरा वो उसकी हार्डनेस भी ज्यादा होगी, बेंड भी नहीं होगी फिर वो। तुमने वो देखा घी वाला पीपा, उसमें ऐसे बैंड किया होता है, या कोई ट्रंक ट्रंक होगा उसमें देखना, वो उसमें ऐसे बैंड अच्छा, हाँ किया होता ट्रंक, हाँ देखा है, जो ऑयल वाला आता है। है। हाँ हेम, मतलब इसमें बनी बनाई शेप है, उसमें तो हम बना रहे थे, हेम में बनी बनाई शेप है। इसमें स्टैंडर्ड साइज आता होगा सर, इसमें दे नहीं, डायमेंशन तो दे सकते हैं हम, सकते हो। ये अच्छा हाँ नीचे ही छे दे रहे हैं हजार बैंड रेडी हाँ सर। हाँ डायमेंशन तो दे सकते हैं, पर शेप वो बना रखी है ना उन्होंने, ये 6 होना चाहिए, ये 3 है, ये 45 डिग्री है, 45 को आप 60 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो प्रोसेसिंग में दिक्कत आएगी, नहीं प्रोसेसिंग में नहीं ज्यादा हार्ड दिक्कत होने से। आएगी, वो शेप ये देखो 60 करने से क्या होता है, 45 करने से क्या होता है, 160 करने से क्या होता है, बंद हो गया ना वो ज्यादा। अच्छा ठीक है, हमें समझ आ गया। उसके बाद जॉग, जॉग क्या होता है, जैसे जेड होता है ना जेड, वैसे जॉग होता है। इसमें प्लेन बताओ, प्लेन बता के उसको जॉग लाइन कहते हैं उसको, यहां से ऐसे मैंने एक जॉग लाइन लगा दी। अब क्या होगा, वो हमारे से पूछेगा भाई इधर वाला फिक्स करना है या इधर वाला, तो एक साइड फिक्स हो जाएगी, दूसरी साइड ऐसे ऊपर उड़ जाएगी। एंगल 90 डिग्री कर देंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, मतलब वो नीचे वाली चीज ही ऐसे ऊपर हो गई। अच्छा
जैसे शेषनाग होता ठीक है। पर जी आप अगर इस चीज को फ्लैट करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, देखो ठीक सीधा है। नहीं सही। जॉब अच्छा टीडी भी लगा सकते हैं लाइन। अच्छा जो है अच्छा 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 ये जो बेंडिंग रेडियस है इसको हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो ये आ रहा 3 डिग्री। सही है यार रेडियस। अभी ये चेंज नहीं हो रहा है, इसको यहाँ से ना ने अच्छा यूज लोकल वैल्यू करेंगे फिर होगा। ये 3 को करो यूज लोकल वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू डाल दो। ओके ये रेडियस बड़े हो जाएंगे ठीक है। जॉग समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है उसके बाद ऑप्शन है बैंड की। जैसे जॉग है वैसे ही बैंड है बिल्कुल। बैंड में क्या है, प्लेन सेलेक्ट करो और एक लाइन लगा दो। ठीक फिनिश कर दो तो वो वहां से उसको बैंड कर देगा। अब इधर से करना है ऊपर नीचे या इसको करना है। ठीक तो जहां जी से बैंड करने को बोल देंगे वहां से वो बैंड हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं बैंड करने के बाद फ्लेंज लगा दें या कुछ और लगा दें। बैंड लिया, प्लेन सेलेक्ट किया। असली में भी हमारे को ऐसे एक लाइन लगानी पड़ेगी ना भाई, यहां से बैंड कर, वही चीज है। ठीक हो गया, जी बैंड समझ आ गया। रिजल्ट उसके बाद कमांड है ब्रिज बैंड। अब ब्रिज बैंड के लिए हमारे को दो होने चाहिए हमारे पास। जो टैब है ना, एक एक टैब हमने ये बना लिया और एक प्लेन बनाते हैं और
इसको तो सर हम स्केच लेके भी बना सकते हैं ना, प्लेन बना के स्केच लेके। टैब लेना जरूरी है सर? हाँ ब्रिज बैंड के लिए जरूरी है। एक प्लेन लिया, यहाँ पे मेरे को एक और टैब चाहिए। मतलब वो भी टैब है, ये भी टैब है, दोनों को बेस बनाना है। सेकेंडरी बना देंगे तो वो आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे, बेस बना देंगे तो वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, और ये दो टैब है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे ब्रिज बेंड कर सकता हूँ। स्टार्टिंग एज, एंड एज। उसको सिप से ले ले रहे हैं। हाँ तो ये ऐसे चाहिए, फुल में चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए। फुल बोथ है जिस, ठीक वो कह रहा है कि स्टार्टिंग एज फुल और बाकी की वो दूसरी सही। सेकंड एज फुल तो वो बड़ा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा, दोनों सेम कर देंगे तो दोनों सेम। विड्थ उसकी, दोनों की विड्थ में क्या ऐड करना है, ऊपर वाले में कितना करना है, नीचे वाले में कितना करना है। ठीक है, बेंडिंग रेडियस हम दे सकते हैं, इसको 8 कर देते हैं, तो ज्यादा कर दूं। ठीक। पहले जी ये दो अलग अलग टैब थी, अब एक ये सिंगल बन चुकी है, जब मैं इसको फ्लैट सॉलिड करूंगा तो वो उसके साथ ही पूरा है। ले हाँ लें। ठीक है, कमांड का नाम था ब्रिज बैंड। ब्रिज बिल्ड जब हम स्टार्ट और एंड सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये जी, इसके इसके नीचे वाली सिलेक्ट करनी है या इसके ऊपर वाली, वो देखना पड़ेगा। छीट के ऊपर वाली एज सिलेक्ट करनी है या नीचे वाली, दोनों की सेम करनी है। ठीक तो है, उसका नहीं नीचे कर लेंगे तो इसका भी नीचे कर ही लेना नहीं फिर। वो बनाई बनाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको अच्छा दोनों को मैच करा के एक बॉडी बनानी है। अगर मैं एक काम और कर सकता हूँ, इसमें पर ये यू यहाँ पे जेड और अगर यू फोर ट्रांजिशन कर दूं, अगर मैं तो इसकी ये एज और इसकी ये एज फोर ले, होल्ड के लिए ना दो पैरेलल होंगी तो फिर वो ऐसे यू शेप बना देगा। चलिए। इसी को इधर ले जाते हैं पकड़ के, ठीक पहला ठीक वो सिलेक्शन के लिए पहले था वो सर। एज एज सही नहीं सिलेक्ट हुई, हाँ दोनों की सिलेक्शन एक, नहीं दोनों की एक ही साइड चाहिए ताकि वो उसको था। मिला सके।
ये हो गया ब्रिज बैंड। ये देखो इसकी हम ऊपर वाली सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जब ये घूम के जाएगी तो इसकी नीचे वाली हो जाएगी। अच्छा वो एक ही जुड़ गई है ना, पहले इसको इसको हटाना जोड़ दिया। पड़ेगा। इसके ऊपर वाली तो इसके नीचे वाली। ये स्टार्टिंग एज है तो ये नीचे वाली होनी चाहिए। पैरेलल होगी तो ही, वो लंबा नहीं ना खींच पा रही है, ये अच्छा छोटी है ना, ये इसलिए आगे है ये पीछे है, तो इसलिए हम ये देते हैं स्टार्टिंग में ऊपर वाली और एंड में ये नीचे वाली। मतलब तो उसके ऊपर वाली वो घूम के जब जाएगी तो नीचे हो जाएगी वो। ठीक, तो ये थी हमारी ब्रिज बैंड। ठीक है, ब्रिज बैंड समझ आ गया, जॉग समझ आ गया, बैंड समझ आ गया, हेम समझ आ गया। ये है लॉफ्टेड फ्लेंज। अब लॉफ्टेड फ्लेंज में क्या होता है, उसी को ऑन कर लेता तीखता। लॉफ्टेड फ्लेंज में जैसे लॉफ्ट कमांड नहीं होती, लॉफ्ट कह लो तुम, ब्लेंड कह लो, जैसे थ्रू कर्व कह लो जैसे, तो थ्रू कर्व में जैसे दो दो प्लेन होते हैं। जी इसमें भी हमारे को दो स्केच बनाने पड़ेंगे, एक तो हम नीचे ही बना लेते हैं। एक मैंने बना लिया रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, फिर मैंने प्लेन लिया, फिर मैंने एक प्लेन, एक स्केच और बनाया ऊपर वाले पे। ठीक है, पर दोनों को ना हमने क्लोज नहीं करना, इसको हमने थोड़ा सा ना खुला रखना है अच्छा बीच में से स्केच को। ठीक है, इस स्केच को भी चाहो तो बेंड की रेडियस भी लगा दो। ठीक है, और यहां से कर दो लॉफ्ट। हेलो, हाँ जी, हाँ, ईमेल आईडी पे लिंक भेजूंगा, और लिंक खोलेंगे तो खोल जाना है जूम अपने आप। तो ये लॉफ्ट हो गया, दो सेक्शनों को हमने मिला दिया, सर, स्केच को ओपन क्यों किया है सर? क्योंकि शीट मेटल है ना ये, अगर हम क्लोज नहीं बन इसको सकता क्लोज बना देंगे। तो सॉलिड बनेगा। नहीं सुनो तो सही, मेरे को भी तो बोलने दो। जी अगर हम इसको क्लोज बना देंगे तो फिर हम इसको फ्लैटन कैसे करेंगे, उसको समझ गया। खोलना भी तो है ना। समझिए सर, अगर क्लोज होगा तो फिर खुलेगा कैसे हो।
इसको बोलते हैं रिलीफ। अगर हम इसको क्लोज की जगह पूरा पूरा भी बना देते ना, तो बीच में इसको काटना पड़ता, चीरा लगाना पड़ता, तभी वो पॉइंट बैठ। वन का, पॉइंट वन का ले लें जी। जितना भी हो मतलब होना चाहिए। खैर, फिर मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि नजर आए। ठीक है, मेन तो हमारे को ये चीज शीट ऐसे काटनी पड़ेगी ना, अगर ऐसा चौरस डब्बा बनाना है, ये समझ चौरस है गए। पर हमारे को शीट ऐसे काटनी पड़ेगी, फिर उसको बेंड कर करके वो चौरस अपने आप बन जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? इसको करके देखना। अभी बहुत सारी कमांडें हमारी और हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 बनाया हमने, पार्ट 2 में हम देखेंगे एडवांस कमांडें क्या हैं, और उसके बाद इधर भी बहुत सारी कमांडें हैं, सारी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, पहले इतना करके देखो, फिर सॉलिड्स, अगर कोई सॉलिड मॉडल बनाया उसको शीट मेटल में कैसे कन्वर्ट करना है, या शीट मेटल वाली चीज को ड्राफ्टिंग में कैसे लेके जाना है, वो भी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखना है।